वेलकम बैक डिजाइनर्स। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं एक और इंटीरियर डिजाइन फैब्रिक के बारे में जिसका नाम है जूट। जूट जो है इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में भी हम बात करेंगे, जो इसकी नए क्वालिटीज हैं इंटीरियर डिजाइन में उनके बारे में हम बात करेंगे, कैसा बिहेवियर है इंटीरियर डिजाइन को लेके जूट का। तो जो पहला पॉइंट है जूट को लेके वो है आर्टिस्टिक जो है फैब्रिक है, क्रिएटिव लोगों को ये पसंद आता है, जैसे कि आप हो वैसा ही कोई लोग, जैसे कोई मूवी का डायरेक्टर हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, या फिर कोई भी हो सकता है, कोई भी क्रिएटिव प्रोफेशनल इसको पसंद कर सकता है। या फिर अगर एक ऐसा इंसान है जिसको बहुत ही ज़्यादा रैंडमनेस पसंद है, मतलब कोई भी सिस्टमेटिक चीज़ें पसंद नहीं है, वो थोड़ा अपना ही टाइप का बंदा है, उसके लिए भी ये फैब्रिक बिल्कुल हो सकता है। तो अगर ये क्यों है, क्योंकि इसका जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी रफ एंड टफ टेक्सचर होता है। अगर आपने कभी जूट को हाथ लगा के देखा हो तो काफ़ी ऐसा फीलिंग होता है जैसे रफ एंड टफ टाइप का है, मतलब एकदम मजबूत टाइप का फैब्रिक होता है जूट। अगला जो पॉइंट है, जो जूट है बहुत ही वेलकमिंग नेचर होता है उसका। जो जूट है उसका जो कलर होता है, अगर आप ध्यान से देखो कभी जूट को, तो उसका जो टैन ब्राउन टाइप का कलर होता है, जो सॉइल का कलर होता है ना, ऑलमोस्ट वैसा ही कलर होता है। जो नेचर से इतना ज़्यादा मिल जाए ना, तो उससे तो कम्फर्टेबल होना ही है इन, मतलब दिमाग के लिए वो कम्फर्टेबल होता है। वैसे जूट ज़्यादा कम्फर्टेबल नहीं होता, अगर आप अपोस्ट्री में यूज़ करोगे तो बहुत सारे फैब्रिक्स है जो उससे बहुत बेटर, लेकिन जो दिमाग के लिए कम्फर्टेबल हो ना, जो दिमाग को ऐसे ठंडा फील दे, वैसा होता है जूट फैब्रिक। इसके अलावा आप जूट को अब कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। आपने कभी लैम्प शेड्स देखे हैं जो जूट के बने हुए होते हैं, उनके अंदर से येलो लाइट का अंदर बल्ब लगा रखा होता है, बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो जूट है वो नेचर से इंस्पायर्ड है, क्योंकि जो सॉइल का कलर है वही उसका जूट का कलर है। तो उसके अंदर आप येलो बल्ब और लगा दो तो बहुत ही प्यारा फील देता है, बहुत ही नेचुरल फील देता है। आप इसको रस्टिक स्टाइल में यूज़ कर सकते हो और उन सब स्टाइल्स में यूज़ कर सकते हो जो नेचर से इंस्पायर्ड है, प्लस वहाँ भी यूज़ कर सकते हो जो कोजी नेचर के स्टाइल हैं, जो वॉर्म्थ चाहते हैं अपने स्टाइल के अंदर। तो जूट के अगर मैं प्रोज की बात करूँ, क्या क्या फ़ायदे हैं जूट के, तो जो पहला फ़ायदा है कि ये नेचर से मिलता है, इसे कोई हम मशीन से नहीं बना रहे हैं, नेचर से डायरेक्टली मिलता है जूट, तो ये रिसाइकलेबल होता है, इको फ्रेंडली मटेरियल होता है। इसके बाद काफ़ी ड्यूरेबल मटेरियल है, काफ़ी लंबी लाइफ होती है जूट की। इसके अलावा जो फ़ायदे हैं वो हैं कि जूट जो है वो ईजी टू क्लीन होता है, काफ़ी आसानी से उसे हम साफ कर सकते हैं, और इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेन्स भी नहीं दिखाई देते, मतलब जो दाग हैं वो ऑलमोस्ट एब्जॉर्व कर लेता है फैब्रिक, आपको दिखाई ज़्यादा नहीं देते क्योंकि इसका कलर ही ऐसा है। और अगर मैं इससे कुछ कॉन्स की बात करूं, क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं इस फैब्रिक के, तो जो पहला नुकसान है वो काफ़ी इची होता है। जैसे अगर अच्छी क्वालिटी का आपने जूट नहीं लिया ना, तो प्रोबेबिलिटीज हाई है कि वो आपको थोड़ा थोड़ा चुभेगा, थोड़ा मतलब ऐसे प्रॉब्लम सा क्रिएट करता है। और उसके बाद जो है, अगर आपने इसको किसी ऐसे एरिया में रख दिया जहाँ पे पानी रहता है, जैसे बाथरूम से किसी एरिया में इसका आप रख नहीं रख सकते, क्योंकि वो मॉइस्चर रहता है, वहाँ पे पानी रहता है, तो इसमें कोई एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें आपके बैक्टीरिया भी लग जाते हैं, फंगस भी लग जाते हैं, और अगर इसको आप टाइम पे सही साफ नहीं करते तो ये आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपकी हेल्थ के लिए भी ख़राब हो सकता है। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो है कि इसके धागे धागे निकलते हैं कई बार, आपने देखा होगा अगर जूट के आपके पास कोई रग्स हैं, तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हो, तो जो पहले वाली जगह थी वहाँ पे आपको कई बार धागे धागे गिरे हुए दिखाई देते हैं। तो ये था गाइज ऑल अबाउट जूट, आई होप यू लाइक इट, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलिएस्टर की बात करेंगे।